ये है Xiaomi का सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन और इसी स्मार्टफोन में सारे कैमरे के कारनामे करे जाते हैं भाई, सारी नेक्स्ट लेवल चीजें इसी में ऐड करी जाती हैं। पिछली बार हमने ट्राई करा था कैमरे में भाई काफी पेचीदा चीजें थी, बट इस बार भाई और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। मैंने फोटो में देखा काफी बड़ा सेंसर था, बड़े क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। पूरा ब्लैक बॉक्स ही है, फ्रंट पे अगर देखो यहाँ पे लाइका लिखा है। लाइका दूर से देखने में आपको कोका कोला या पेप्सी वाला लोग रहेगा, बट एक्चुअली भाई एक बहुत ही बड़ी कैमरा कंपनी का नाम। 12 में एक्चुअली अल्ट्रा निकला नहीं था, काफी लोगों को लगा था भाई अल्ट्रा आएगा भी नहीं आएगा। टॉप साइड बॉक्स देखो, इस पे भी लाइका लिखा है और ऊपर से हम टेस्ट कर रहे थे। एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन के हिसाब से मतलब मेरे को केस की क्वालिटी थोड़ी सी वीक लगी। चार्जर आ रहा है 90 वॉट का, ये भी एक्चुअली इंडिया में लिखना लिया हमने, बाहर से मंगवा के हम रिव्यू बना। एक केबल भी है यूएसबी टाइप सी, और फाइनली ये है Xiaomi का 13 अल्ट्रा। हम आ चुके हैं भाई हरियाली के बीच में, टेस्टिंग करेंगे कैमरा वैमरे की, सारी फोटो खींच के देख लेंगे। बट सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करो, मैंने इसके जैसी और किसी की बनावट देखी नहीं। अगर मैं आज से 3 साल पहले खड़ा होता ना इसे पकड़ के, तो लोगों को लगता मैंने कैमरा ही पकड़ रखा। कुछ टाइम पहले एक वो कैमरा लॉन्च करा था लाइट कैमरा, उसके बैक साइड में पूरे कैमरा थे, वही बनते आ रहे हैं स्मार्टफोन। मैं बोल रहा हूँ भाई एक ही बार में पहुंचा दो ना, कैमरे के अंदर ही स्मार्टफोन था। इसकी साइड फ्लैट है, ऊपर की साइड पे ही फ्लैट है, स्क्रीन फ्रंट से कर्व्ड है, बैक साइड से भी कर्व्ड है, बट एक कैमरा बंप भी उठा हुआ है और कैमरे के नीचे एक थोड़ी सी पहाड़ी भी बनाई हुई है जो थोड़ी छोटी। डिजाइनर लोगों को बताया गया था कि सब डाल दो, कर्व भी डालने फ्लैट भी डालना। दिखने में काफी प्रीमियम और पॉलिश फिनिश लगती है, बट मेरे को लग रहा है एज आ रहा ना, मैं घिसने वाली मशीन होती हूँ ना उससे मैं सफाट कर दूँ, ऐसा लग रहा है मल्टीपल एजेस है स्मार्टफोन में, थोड़ा मेरे को ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। बट देखो हमको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कैमरे, 1, 2, 3, 4 कैमरे, चारों 50 में फ्लैश भी अलग अलग दे रखी, नीचे ना एक बिंदी भी है। ये एक्चुअली कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, इसका काम है नेचुरल कलर देना, और बीच में लिखा हुआ है लाइका। भाई आजकल चल रहा पार्टनरशिप का माहौल है यार, सबको चाहिए कि हमारा कैमरा बेस्ट हो। इसमें भी इसलिए 1 इंच का सेंसर, 1-1 इंच से दुनिया बदल जाती, साइज डज मैटर कैमरे में भी। बेसिकली 1 इंच वाला सेंसर कुछ नहीं होता, इसमें होता है कि स्मार्टफोन्स में ना लेंस इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि DSLR में एक सेंसर होता है ना यहाँ पे इस साइड में, उससे काफी ज्यादा बड़ा इसका लेंस होता है, पर लेंस से काफी क्वालिटी डिसाइड होती है। बट स्मार्टफोन्स में बहुत पतली जगह होती है लेंस लगाने के लिए, बट जो सेंसर है वो काफी कंपेरेबल होता है, मतलब छोटे GLD है। तो भाई हम टेस्ट करके देखेंगे क्या एक्चुअली काम करता है कि नहीं। बाकी सारी चीजें काफी सिमिलर है, जो साइड में बटन भी है, पावर वॉल्यूम बटन है राइट साइड में, ऊपर ही साइड पे एक इंफ्रारेड है, एक डुअल स्पीकर वाला सेटअप है ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, सिम इजेक्टर टूल भी लगा रखा है, डुअल सिम का स्लॉट है बट इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते। फ्रंट में कर्व्ड स्क्रीन ऐड करी है 6.73 इंचेस की, LTPO AMOLED 120Hz वाला पैनल है 1440p, LTPO से बेसिकली काफी अच्छा एक ऑप्टिमाइज्ड सा डिस्प्ले बन जाता है, उससे बैटरी काफी बचती है। इस प्राइस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं तो थोड़े डिस्प्लेज आते हैं जिनमें मतलब रिफ्रेश रेट थोड़ा ज्यादा होता है, उनमें क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें मेरे को क्वालिटी कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें काफी अच्छी लगी, हल्का सा साइड से राउंडेड डिस्प्ले बट इतना ज्यादा नहीं है कि आपका हाथ लगेगा, बट स्क्रीन को यूज करते टाइम मेरे को एक्चुअली काफी यूजफुल लगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे पकड़ के मूवी वूवी देख रहा हूँ ना तो मेरे को ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रिप बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट क्योंकि फ्लैट है साइड है पकड़ने के लिए सॉलिड, वो मस्त रहेगा हाथ में, सही ग्रिप आ रही है। बट एक चीज और मैं नोटिस करी देखो, ये आवाज ना डरने की कोई बात नहीं है, OIS की वजह से कैमरा मतलब हिल पाता है तो एक्चुअली स्टेबलाइज भी अच्छे से कर पाता है। बैक साइड में एक सिंथेटिक लेदर वाली बैक है, साइड्स पूरी मेटल की हैं और थोड़ा बैक साइड में भी हल्का सा मेटल आ रहा है, बट जो लेदर के एजेस में है ये पूरा एक प्लास्टिक का फ्रेम है। मेरे ख्याल से अगर इसको भी मेटल कर दे तो और बढ़िया रहता है। एक गोल्डन सी रिंग है कैमरे के अराउंड जो काफी प्रीमियम टच ऐड कर रही है। इसका मेरे को कलर स्कीम काफी अच्छा लगा, ये ग्रीन और गोल्डन और ब्लैक जो आ रहा है। भाई ऊपर की साइड पे भी स्पीकर है, नीचे की साइड पे भी स्पीकर है, म्यूजिक बजा दो। आवाज तो एक्चुअली काफी लाउड है और काफी क्लियर भी, एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट करोगे मतलब उसी के अराउंड है। इसमें भी अगर थोड़ी कोलैबोरेशन होती तो और ज्यादा बेटर हो जाती है। एक चीज और मैंने फील करी, फिंगर अगर मैं बीच में रख रहा हूँ ना तो इस साइड भाई पूरा लुढ़क रहा है, अगर आप ऐसे पकड़े यूज करो थोड़ा सा फील होगा कि भाई गिर रहा है बैक साइड, छोटी चीज है बट अगर आप सिंगल हैंड यूज करते हो ना फर्क पता चलेगा कि मैं इसको ना कैमरे सेंसर से मैं ऐसे पकड़ भी सकता हूँ। बेसिक जितनी चीजें हैं, बाकी अपना वायरलेस चार्जिंग है, सारे सेंसर सारी चीजें हैं, एक फ्लैगशिप कंप्लीट स्मार्टफोन है तो उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। बट भाई मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यही है कि आजकल ना कैमरे की काफी रेस चल रही है, आईफोन सैमसंग वन प्लस जितने स्मार्टफोन ब्रांड्स है सबको अपने कैमरे में बहुत ज्यादा मेहनत करनी, और कुछ कुछ हमने भाई रिसेंट ट्राई करे जिसमें एक्चुअली भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल फोटोज को आई थी, स्पेशली ये 1 इंच के सेंसर्स वाले। हमने ओपो का ट्राई करा, अभी वीवो का भी ट्राई करा था और डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव थे, फिर भी हमको एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। इसमें डॉल्बी विजन भी है, डॉल्बी एटमॉस भी है, तो आपको गाना वीडियो एक काफी रिफाइंड सा एक्सपीरियंस मिलता दोनों। और बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, IP68 रेटिंग है, अपना पानी वानी में आप गिरा सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। भाई आप चलाते हैं गेम, हमने चला ली कॉल ऑफ ड्यूटी, भाई इसमें भी जो मार काट मचा रहे हैं वो सही लग रही है भाई। एकदम ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो टॉप के स्मार्टफोन्स में आप देख के ज्यादा फर्क नहीं बता सकते। तो भाई सारी फोटो खींच के देखेंगे एक एक करके, सबसे पहले वाइड एंगल से ही खींच के देखते हैं, एक 1x से 2x से भी खींच लेते हैं, 3x 10x 20x भाई सही है ये फोटो यार, ये हमने 60x पे खींची थी, ये 120x पे भाई फूल आ गया है भाई।
हमने सोचा भाई अब आई गए तो अब स्टेबिलाईजेशन की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। बेसिकली OIS तो है बट इसमें चेक करते हैं। अरे तुम मशीन की तरफ ही जा रहे हो भाई, लेकिन ठीक तो है। एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है आजकल ना, वीडियो में पोर्ट्रेट मोड है ना भाई, उसमें मजा आता है। ये हमने हर्ष भाई की वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा तो ऐसा बैकग्राउंड में ब्लर नहीं है, बट हल्का सा है। हाथ वाथ हिलाइए कुछ, हिलियो ऐसा कुछ, बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं लग रहा यार। ब्यूटीफाई है, फिल्टर है, ये भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इससे रंगीन कर रहा है ये, बट सॉरी लाइक अ वेव। नोटिस करी जो एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्ड होता है वीडियो में, वो मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। इसमें एक वेरिएबल अपर्चर का सेटअप है, तो ये ना कैमरे का खुलता और बंद होता है, उससे होता है कि जब छोटा हो जाता है ना तो लाइट कम आती है, तो आपको एकदम दूर की फोटो खींचनी होती है बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा कम हो जाता है। अगर वो खुल जाता पूरा तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा आता है, लाइट ज्यादा आती है, दिन में खींचनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अच्छी फोटो आती है। भाई एक चीज मेरे को पसंद नहीं आई यार, ये बैकग्राउंड ना पूरा व्हाइट व्हाइट कर दे रहा है, बैकग्राउंड पूरा ही व्हाइट कर दिया। मेरे को ऐसे करना पड़ेगा तब जाके शायद थोड़ा ब्लू करे। फ्रंट कैमरे में डायनेमिक रेंज मेरे को बेकार, पूरा ही व्हाइट व्हाइट हो रहा है साइड में। 8K 24 तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट मेजरली ज्यादातर लोग 4K 30 या 4K 60 पे करेंगे। और सार्थक भाई व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, कैसी लग रही भाई लाइका? स्टेबिलाईजेशन तो डिसेंट है, स्टेबिलाईजेशन कैसी लग रही है? थोड़ी ना पत्ती उत्ती की भी खींचते हैं फोटो तब अच्छे से पता चलता है। बचपन में स्मार्टफोन फोटोग्राफी जिन्होंने करी होती है ना ऐसी कर। भाई ना आज भाई ये बट 2x में आई फोटो मजेदार, 3x में उतना मजा नहीं आ रहा, 5x में आया क्या, बट 2x में तो अच्छी है ये फोटो भाई। बैकग्राउंड में ब्लर ब्लर भी अच्छा है, मतलब ऐसा मेरे को बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कलर्स वलर्स नहीं लगे। डायनेमिक रेंज डिसेंट है, बहुत ही ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, डिटेल्स विटेल्स भी डिसेंट आई। बट भाई मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है इंसानों के साथ, इंसान की बढ़िया फोटो आती है ना तब पता चलता। हम सबका पोर्टफोलियो शूट करा रहे हैं, मॉडलिंग करियर आपसे आज का चालू, जो भी लव यू भाई। मेरे को चींटी ने काट लिया, उसका भी फोटो शूट करना पड़ेगा लग रहा है। चींटियां भी तो पार्ट है। देखो इतनी लाइट में ना हर स्मार्टफोन अच्छी ही लेता है, बट हमने थोड़ा टफ चूज करा, जैसे इस साइड बहुत डार्क एरिया, इस साइड थोड़ा सा लाइट एरिया भी था, बहुत टफ रहा इस वाले स्मार्टफोन के ना कैप्चर करना, क्योंकि इसकी डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डार्क और व्हाइट को अच्छे से नहीं कर पाया। जैसे इसमें स्काई अगर हल्का सा नीला दिखाना था तो फेस बहुत डार्क हो गया, और इसमें फेस थोड़ा ब्राइट दिखाना था तो स्काई पूरा ही व्हाइट हो गया, तो वो एक चीज मेरे को फील हुई। भाई ये अलग अलग ना बोके वाले मोड है, ये डिफॉल्ट मोड है, एक डॉक्यूमेंट्री मोड। क्या आप रेडी हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री? 50mm पोर्ट्रेट। अरे भाई ये क्या बना दिया, अरे ध्रुव भाई की आत्मा आ गई बाहर यार। इसमें भी जैसे मैं वही बता रहा था ना कि देखो बहुत डार्क कर दिया फेस, 50mm वाले में सही है ये, बट इसमें भी ना यार भाई की लाइक ऐसे ही लग रहा है कि वर्ल्ड के भाई बेस्ट स्मार्टफोन कैमरे से ये वाली फोटोज ले रखी है। मैं देखो फील ऐसा हो रहा है कि लैम्बोर्गिनी का इंजन तो है बट उसको CNG पे चला जा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा, क्योंकि भाई हार्डवेयर तो है, 1 inch का सेंसर है, सारी चीजें, एक फ्लैगशिप के हिसाब से मेरे को सही नहीं लग रही। 50-60 हजार रुपए का फोन होता तो डिसेंट था, बड़े 70-80 हजार का आएगा वहां पे खाली अच्छा हार्डवेयर काम नहीं करता, आपको ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर में काफी मेहनत करनी पड़ी, और इसमें वो मेरे को थोड़ा सा कमी फील हो रही है। इसमें एक्चुअली हमने जब फोटो खींचना स्टार्ट करा था तो हमको लगा कि भाई इसमें कोई दिक्कत है, तो हमने फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो उसका वेट करा, बट उसके बाद भी बहुत थोड़े से ही डिफरेंसेस आए, थोड़ा सा कलर्स में एक्यूरेसी में थोड़ा सा बदलाव आया। भाई मेरे को एक इसमें बहुत तगड़ा मोड लगा, इसमें ना शॉर्ट फिल्म में अगर आप जाओगे मल्टी कैम मोड, इसमें भाई सारे कैमरा एक बार में भाई वाह आहा, वाइड 1x 2x 5x 10x CCTV कैमरा लग रहा है। निगरानी करनी हो तो इसी की जरूरत है बस। मेरे हिसाब से इफेक्ट फोटोज में थे ना, जैसे बोके अलग अलग 50mm का आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ये सारे वीडियो में भी होते हैं ना तो और ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली एक सिनेमैटिक फील आती है, कुछ अलग सा फील होता है इस वाले स्मार्टफोन में, बट वो है नहीं वीडियो में, और वीडियो में बहुत बेसिक सा ब्लर है और वो उतना कुछ खास अच्छा आ नहीं रहा है। फ्रंट वाले कैमरे में 4K भी नहीं है, 1080p पे रिकॉर्ड करता है, उसमें ऑटो फोकस भी नहीं है, और ये दोनों चीजें इस प्राइस पॉइंट पे आ जाती है, और डायनेमिक रेंज भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि भाई Xiaomi का एकदम ही टॉप नॉच वाला स्मार्टफोन है, ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। सॉफ्टवेयर वाली चीजें मेरे हिसाब से Xiaomi जब तक इंडिया में आएगा तब तक काफी सारी चीजें इसमें फिक्स कर सकती है, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करे जाते हैं टाइमली, बट मैंने बहुत कम देखा ऐसा होता, बट होप तो है भाई हमारी भी। बट हार्डवेयर में भाई चाहे वो कैमरा हो चाहे वो हाथ में पकड़ने में हो, किसी भी चीज में भाई कमी नहीं लगता। ऑफ कोर्स भाई डिजाइन है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट काफी लोगों को पसंद भी आया। तो मैं एकदम सीरियसली बताता हूँ, ये वाला स्मार्टफोन इसके प्राइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वैसे अभी ये 70,000 के अराउंड प्राइस पॉइंट पे बाहर लॉन्च हुआ है, अगर ये इंडिया में 65-70 के अराउंड तक का आता है तो ये अच्छा स्मार्टफोन, ऑल्दो टॉप ऑफ द लाइन 1-1.5 लाख रुपए वाले स्मार्टफोन से कम्पीट नहीं कर रहा है, बट एक 60-70 या 1000 के प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से जो ये चीजें लेके आ रहा है वो काफी एक वैल्यू सिस्टम आप इसको बोल सकते हो, और जिस बंदे को एंड्रॉइड एक Xiaomi का स्मार्टफोन खरीदना उसके लिए अच्छा पिक हो सकता है। जब इंडिया में लॉन्च होगा तब अच्छे से पता चलेगा, प्राइसिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है स्मार्टफोन। इसका तो हमने रिव्यू दे दिया, आप हमारी वीडियो का भी नीचे कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे दो, हम पढ़ के भाई चीजें मस्त करेंगे। आप भी बताना हमारी वीडियो पैसा वसूल लगी। इतना था इस वाली वीडियो के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।